राजस्थान में पिछले दो दिनों से चल रही धूल भरी आंधियों का असर किसान महापंचायत के दौरान भी देखने को मिला। मंच के ठीक सामने इस तरह से टेंट लगाए गए थे, लेकिन जगह जगह से तेज हवाओं के चलते इसी तरह से टेंट उखड़ते नजर आए, लेकिन लोगों का हौसला कहीं कम नहीं हुआ। लोग आज भी खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, मजबूती से खड़े हैं। और जहां जहां टेंट हवाओं के तेज हवाओं के कारण धूल भरी आंधी, यदि आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस कदर यहां पर धूल भरी आंधी है, लेकिन किसान भाइयों के इरादे को बिल्कुल नहीं डगा पा रही है। सर, आज आप लोग यहां पर महासभा, आपका किसान महापंचायत चल रही है, धूल भरी आंधी है, किसानों का हौसला भी डगमगा रहा है? बिल्कुल हौसला नहीं डगमगा रहा है। प्रकृति तो किसान की हमेशा से परीक्षा लेती आई है, किसान कहाँ कमजोर होने वाला है। किसान ने सदियों से प्रकृति की मार झेली है और अब भी हम प्रकृति का मुकाबला करेंगे। इस भयंकर तूफान आंधी और बारिश के समय में हमारे किसान डटे हुए हैं, रास्ते में भी हैं, लोग आने वाले हैं और भी आएंगे और मजबूती से इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। क्या संकेत देना चाहते हैं? करीब करीब 4 महीने हो गए, केंद्र सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, आप लगातार अपनी आवाज आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र तो सरकार है, वो एक लोगों को गुमराह करके इस तरह के जो पर्दे के पीछे से जो कानून लेके आई है, कोरोना काल का बहाना लेकर, वो किसान विरोधी कानून है। किसान को इस बात का पता है कि ये तेरे खिलाफ है, इसलिए किसान अपनी सड़कों पर आ रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है। भूखा प्यासा अपना घर परिवार छोड़कर जो किसान दिन रात खेत में मेहनत करता है, रात को पानी लगाता है, खेत में फसल बोता है और दिन रात मेहनत करने के बाद में वो फिर भी उसके फसल के जो उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, ये बड़ा अभिशाप है। इसलिए लेकिन एक सवाल है, देखिए जानना सब चाहते हैं, 4 महीने हो गए, इस कदर से आप आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पे, चारों बॉर्डर पे बैठे हैं, बंगाल भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, आखिरकार इस जद्दोजहद के पीछे का कारण क्या? आपको क्या अपने खेत खत्म होने का डर है, अपने भविष्य, परिवार के भविष्य की चिंता है, या क्या? सरकार जो है, बड़े बड़े उद्योगपति जो अंडानी अंबानी है, उन कॉर्पोरेट ग्रहणों को हमारी जमीन का मालिकाना हक देना चाह रही है, सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। क्यों? कि जब मंडी खत्म हो जाएंगी तो ये लोग अपनी मनमर्जी से खरीदेंगे और जो माल खरीद लेंगे किसान से, तो किसान तो मजबूर हो जाएगा वो माल देने के लिए अपना अनाज, और वो सस्ते दामों पर खरीद कर वो फिर जो महंगे दामों पर किसान को दोबारा देंगे, वो सबसे बड़ा अन्याय होगा किसान के साथ। अन्याय होगा। भाई साहब, एक आखिरी सवाल, रास्ता क्या, 4 महीना हो गया, बीच का रास्ता कोई है? निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा। किसानों को MSP का कानून इनको देना पड़ेगा और ये तीनों कर्जे कानून वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो 4 महीने की बात है। भारत ने 190 साल ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आंदोलन किया है, निश्चित रूप से किसानों की मांग पूरी होगी, किसान अपने हक को प्राप्त करेंगे। ये है किसान आंदोलन का एक महापंचायत का एक नजारा जो जयपुर में, इस तरह से देखिए आंधी में टैंक को ठीक करने की कोशिश हो रही है, इरादे नहीं डगमगा रहे हैं, भले ही आंधी आ रही है, यहाँ पर धूल भरी आंधी आ है, लोग जैसे तैसे स्थिति को यहाँ पर काबू करने की कोशिश में पड़े हैं। और किसानों का यही अधिकता दर्शाता है कि भले ही करीब करीब 4 महीने होने आए हैं उनके आंदोलन के, लेकिन उनके इरादे अटल हैं, इस तरह की आंधियाँ या मुश्किलें उनके हौसले को डगमगा नहीं पाएगी। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24।